इंसान की पहली उंगली के बीच में इंसान की फितरत को वाजेह करने वाला निशान होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पहली उंगली के बीच में किस निशान को किस तरह से समझा जाए, जो इंसान के लक, खुशकिस्मती, दौलत और शोहरत की अलामत है। अगर इंसान की पहली उंगली के बीच वाली लकीर में आंख बने तो ये इस बात का ऐलान होता है कि इसकी सिक्स सेंस स्ट्रांग होगी, ये वक्त से पहले चीजों को देखेगा। लेकिन अगर आंख तो बने लेकिन उसमें एक जगह से लकीर से मिलती ना हो, यानी मुकम्मल आंख ना बनती हो, तो इसका मतलब ये है कि ये चीजों को देखेगा तो समझेगा भी सही, लेकिन काफी जगहों पे मजबूर हो जाएगा, या गुस्सा करके अपना नुकसान कर देगा, या जल्दबाजी करके, या किसी एहसास में आके। ऐसे इंसान को चाहिए कि जल्दबाजी से बचे ताकि इनका फायदा इनके सामने हो। और जिस इंसान की पहली उंगली में कोई आंख नहीं बनती बल्कि सीधी लकीर होती है, ये इस बात का ऐलान होता है कि ये इंसान तजुर्बाती और मौके से फायदा उठाने वाला बंदा होगा, और दिल का साफ होगा। इसका रहम इसकी ताकत भी होगा, और इसका रहम करना बाज मर्तबा इनकी कमजोरी भी बनेगा, क्योंकि लोग इनके कंधों पे अपना पांव रखेंगे। और जिस इंसान की ये पहली उंगली में सिर्फ एक लकीर हो, कोई दूसरी लकीर ना हो, तो ये इस बात की अलामत है कि ये बहुत ही सख्त और सीधी बात करेगा, अपने उसूल की वजह से पहचाना जाएगा और अपने उसूल की वजह से शिकस्त देखेगा। इसको चाहिए कि अपने वजूद में थोड़ी सी लचक और रिश्तों और लोगों से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके चलें। इंशाल्लाह इनके उसूल इनको फायदा देंगे। इंशाल्लाह।